अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रूथ रियलिटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑन कश्मीर सिचुएशन। तो देखते हैं वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए के स्टूडेंट जो है ना उनकी क्या राय है भाई। हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो कश्मीर यूनिवर्सिटी में आए ये सोचकर कि कुछ स्टूडेंट्स से बात करेंगे, हालांकि अभी वेकेशन का टाइम है, तो जो हॉस्टल्स में रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रिपरेशन में जुटे हैं, कुछ घरों को लौट गए हैं, सर्दी का भी समय है, लेकिन कुछ सीनियर्स हमें मिल गए हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, यहाँ से पास आउट है, आज किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आए। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? आई एम अफशाना मोहिदीन, बेसिकली प्रोफेशनली आई एम अ डाइटिशियन। ओह लवली। तो मैं आपसे इस लाइव कॉन्वर्सेशन के बाद भी पूछूंगी कि व्हाट आई नीड टू डू देयर। हां, एग्जैक्टली, श्योर। वैसे आपने क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पर बात की कि आप डाइटिशियन हैं, मुझे लगता है कश्मीर के लोग तो मतलब जेनेटिकली इतने सुंदर हैं, बिल्कुल एकदम चीजी पिंक ग्लोई स्किन एंड टोटल फिटनेस। दैट डजंट मीन दे आर फिट, फिटनेस इज समथिंग एल्स। ये है बिल्कुल एक्सपर्ट की राय कि फिटनेस और लुक अलग होते हैं। हाँ, exactly. So, एक चीज जो मैंने यहाँ पर देखी, जैसे अभी तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन जब आप पढ़ते थे यहाँ पर तब में और आज में क्या फर्क दिखाई देता है? When we are in college, then वो एक co-education नहीं था, वहाँ खाली फीमेल्स थी। When we are pass out from there and come here, we feel lots of difference. ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी खुद की चीजें मिल रही थी करने के लिए, एक्सप्लोर कर रहे थे बहुत सारी चीजों को, तो वो एक चीज आ जाता है। प्लस सीखता भी बहुत है आपका इन्फ्लुएंस विद अदर्स, ठीक है, हाउ कैन यू रिएक्ट विद देम और आपका रिएक्शन क्या मिलता है, वो सारी चीजें डिफरेंस आपको यहाँ पे आ जाती है। और यू हैव अ वास्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड फील्ड जहाँ आप जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे, नई दुनिया का दरवाजा पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहाँ पर खुला। मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे like as much as I have like learned and I have asked people, कश्मीर में हमेशा एक बड़ा खुला माहौल, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां, उनके लिए इन अ वे एजुकेशन, पहनावे से लेकर बाहर निकलना है, घूमना फिरना है, वो उस तरह की चीजें रही हैं। जेंडर बायस मतलब बहुत वैसे एक्सट्रीम स्तर पर नहीं कि नहीं लड़की नहीं पढ़ेगी और लड़का पढ़ेगा, ऐसा दैट इज नॉट। हमारे घर में जी जी, हमारे घर में जैसे हम दो भाई, एक भाई है और हम दो बहने हैं, तो वी आर इक्वली, इवन मुझे लगता है कि ब्रदर से ज्यादा हम लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। एग्जैक्टली, और मतलब ऐसा नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर थिंग्स, मतलब लाइक कि आप पढ़ो, कहीं पे भी जाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको क्या वेयर करना है आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ऐसा किसी चीज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और पर्टिकुलरली ऑन एजुकेशन आपको क्या बनना है, जो टाइम आ रहा है वो पहले से बेहतर है। एग्जैक्टली, पहले से भी बेहतर है, मतलब बहुत सारी अभी चीजें, हाँ, क्योंकि यहाँ लड़कियां बहुत एम्पावर हो रही है, अभी बिजनेस स्टार्ट कर रही है जो पहले नहीं हो रहा था, तो अभी बेसिकली ऐसा हो रहा है जो कश्मीर में एक नई चीज हो रही है। पहले ऐसा था कि लाइक आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे सब उसी, लेकिन अभी डिफरेंट बिजनेस एंड डिफरेंट थिंग्स में जा रहे हैं लोग। 370 हटने के बाद 370 का पहले का माहौल कोई फर्क है? क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत बोलते हैं कि क्या चेंज आया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये अलग अलग तरह से लोग इसको एनालाइज करते हैं। 370 का मैं आपको ये बोलूंगी कि हाँ, वो मुझे लगता है कि वो आपको एज अ कश्मीरी अगर मैं बोलूंगी, वो सिक्योरिटी थी, हमें लगता था कि हम सिक्योर, वो हमारी सिक्योरिटी है। अभी ऐसा लगता है कि वो हमारा जो सिक्योरिटी पॉइंट था वो हमसे छीन लिया गया। ठीक है, मैं एज अ कश्मीरी बात करूंगी, चेंजेस क्या आई पहले अभी तक, मुझे लगता है हमारे जब बिफोर 370 बहुत सारे पोस्ट्स निकलते थे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मैंने सबसे अभी तक कोई ऐसा नहीं निकला, बहुत आ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट वो पोस्ट्स निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे जो डाइटिशियन के पोस्ट है वो 2016 में निकले हैं, आफ्टर दैट अभी तक कोई पोस्ट नहीं, और पोस्ट्स वैकेंट है जहां पे आपको नीड है, आप देखिए हर किसी डिपार्टमेंट में सारे पोस्ट्स वैकेंट है। ठीक है,
बर्डन आ रहा है, हर किसी पे प्रेशराइज हो रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है वर्क का। राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और उनके साथ मतलब यूथ बहुत जुड़ रहा है ये लगातार कहा जा रहा है। मैंने दिल्ली में यात्रा कवर की, यूपी में कवर किया, मैं कश्मीर में इस वक्त हूँ। सो आपको लगता है कि जो यहाँ का यूथ है उनके बीच में, या जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के बीच में क्या भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चाएं हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं? आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग? थ्रू सोशल मीडिया अभी आपको हर कहीं से नॉलेज मिल रही है। राहुल गांधी एज अ प्रोस्पेक्ट, मतलब इतना पॉलिटिकल ये नहीं था नॉलेज एंड ऑल दैट, तो राहुल गांधी का मुझे प्रेजेंटली नहीं पता कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज। बट आई थॉट कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है, एटलीस्ट जो प्रेजेंट इश्यूज है, चाहे जॉब्स को लेके है, बाकी सब चीजों को लेके, वो सॉर्ट हो जाए ना, कि वो चीजें आप अपना वोट बैंक मत बनाओ। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो यात्रा, भारत यात्रा जोड़ो या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, तो फिर आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। आप अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हो, दैट इज सेकेंडरी, आप किसी चीज को डिग्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो जो राहुल गांधी मैंने सुना है, लाइक अभी वो कश्मीर आ रहे हैं, उनका प्रोस्पेक्टिव क्या होगा? तो लेटरली जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो कुछ नहीं कर रही है, अब क्या होने वाला है, तो दैट इज अप टू देम। चलिए, क्वेश्चन मार्क के साथ आपने इस बात को छोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में पॉसिबिलिटी भी होती है, क्वेश्चन मार्क में एक इंतजार भी होता है, और देखते हैं वो इंतजार कश्मीर के यूथ के लिए क्या लेकर आता है। इस सब के गवाह शायद हम भी बनेंगे भविष्य में। बट थैंक यू सो मच बात करने के लिए, यू स्पोक वेरी वेल, थैंक यू सो मच। चलिए, कोशिश है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से बात की जा सके, और अभी तीन और स्टूडेंट हमें मिले हैं। आप लोग बड़गाम से? जी जी मैम। अच्छा, तीनों ना। आप किस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं अभी? केमिस्ट्री में मास्टर्स कर। तीनों? अच्छा, दोस्त हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, मतलब वो बचपन वाले दोस्त? बचपन वाले दोस्त, बिल्कुल। ठीक है, हमारा स्कूल कॉलेज सब सेम था। हाँ, बिल्कुल, स्कूल भी कॉलेज भी और अब यूनिवर्सिटी भी। हाँ, हम एक साथ चल रहे बिल्कुल बचपन से। हाँ, बिल्कुल। तो ये थ्री इडियट्स वाला सीन तो नहीं है यहाँ? हाँ, वो कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, बिल्कुल। दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है, ऐसा भी है क्या? अच्छा, मैं तो अभी दिल्ली से आई यहाँ पर, आई चलते चलते बात करते हैं। तो बेसिकली मकसद, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा हो रही थी तो उस सिलसिले में आई थी, आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, बट देन मुझे लगा कि उस यात्रा से अलग भी कश्मीर में बहुत कुछ देखने के लिए, समझने के लिए और जीने के लिए है, एंड व्हाट बेटर देन टॉकिंग टू द यंग एंड द फ्यूचर ऑफ द कश्मीर। सो अभी कैसा माहौल है यहाँ पर, कैसे हालात हैं यहाँ पर, आप लोगों की मतलब पढ़ाई लिखाई से लेकर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज, इन सब को लेकर क्या है अभी सिचुएशंस? अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है, मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी हमारा मास्टर्स ही चल रहा है, अब इंशाल्लाह आगे देख के मास्टर्स कंप्लीट करके फिर देखते हैं कि क्या। व्हाट डू यू एम फॉर, गवर्नमेंट जॉब और योर ओन वर्क? गवर्नमेंट जॉब। आप भी? हाँ, गवर्नमेंट जॉब। लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए बोलते हैं? पहले से एम था कि लेक्चरर, प्लस टू लेक्चरर या प्लस थ्री असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए हम मतलब पॉजिटिव है, और ऑब्सेशन होता है ना किसी के लिए, तो ऑब्सेशन है उसके लिए, तो इंशाल्लाह देखते हैं मास्टर्स, फिर जब पोस्ट निकलेंगे एग्जाम देके, तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर। नहीं, अच्छा ही होगा, तीनों की एक साथ लगेगी, चिंता मत करो। थैंक यू। एक्चुअली ये भी है कि कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन यहाँ अभी बहुत कम है, जैसे कि हम बाहर देखते हैं वहाँ प्राइवेटाइजेशन वहाँ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब ही, इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन उतनी अभी यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लाइक दिल्ली में आउटसाइड, तो यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब पे असर कम पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब पे हम ज्यादा फोकस करते हैं इसलिए। पार्डन फॉर माय नॉलेज, बट जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आई तो रियली मुझे नहीं मालूम था ऐसा कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट बॉडी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनसे मेरी बात करा दीजिए, सो दैट वो मतलब 10-15-20 बच्चों को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर ले, सो दैट मैं सबसे, जैसे होता है ना चाय पे चर्चा टाइप डिस्कशन, आराम से बैठ कर बात कर सके, वैसा कुछ हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ऐसी स्टूडेंट बॉडी नहीं है, या मतलब वो बैंड है और वो सब चीजें हैं। सो आप लोग जैसे अपने इश्यूज अगर आपको कहीं पर किसी के सामने लेकर जाना है या अपनी बात कन्वे करनी है, तो व्हाट इज द फॉर्मेट और द कम्युनिकेशन? ऐसा अगर कोई भी इशू हमारे स्टडीज के रिलेटेड होता है तो हम डायरेक्ट अपने टीचर्स से बात करते हैं, वो हमें प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वही होता है, और फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं, बस यही रहता है हमारा। बट क्या ऐसा लगता है कि जरूरत होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट की वॉइस हो या उनकी एक स्टूडेंट बॉडी हो, स्टूडेंट लीडर्स हो? हाँ, उसकी तो जरूरत होनी चाहिए। आप लोग भी ऐसा मानते? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो यू होप फॉर इट, समडे इट विल हैपन अगेन। जी, राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, 30 तारीख को झंडा उनको फहराना है, जिसको लेकर चर्चाएं इसलिए थी कि कन्याकुमारी से वो निकले,
द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड टू द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, वहां पर यात्रा खत्म हो रही है. कश्मीर में आते ही ना टेरेन बदल गया, आसपास का माहौल बदल गया, आसपास के नजारे और सब चीजें बदली बदली सी दिखाई दे रही हैं एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. बट आप लोगों के बीच में क्या कोई चर्चाएं हो रही थी या आप लोगों को पता चल रहा था, कोई डिस्कशन हो रहे थे? नहीं, इसके रिलेटेड हम कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे, पढ़ाई के साथ बिजी है इसलिए एग्जाम चल रहे थे हमारे, एग्जाम्स के साथ ही ज्यादा बिजी पीजी कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर देखते हैं. फोकस स्टूडेंट्स हां, जैसे ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना, हम लोग बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट, देश में कुछ भी घट रहा है कहीं भी घट रहा है, आइए देश में कुछ भी घट रहा है कहीं भी घट रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो चर्चा, अरे तुमने ये न्यूज देखी, ये हो रहा है वो हो रहा है, सो लाइक ऐसे आप लोगों के बीच में क्या डिस्कशंस होते हैं, मतलब मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ. Is it sometime related to the political discussions हम ज़्यादा दूर ही रहते, तो all time हम पढ़ाई के ही साथी होते हैं, तो WhatsApp जैसे मतलब social media, ये इस सब से हम दूर ही रहते हैं, social media पे ये politics इस सब से हम दूर ही रहते हैं, हमारा ज़्यादा focus studies पे होता है. हाँ जी guys, तो जैसा कि आपने video देखी तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो पहले से ज्यादा ना सोच बदली हुई है लोगों की काफी, लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा बेहतरी आ रही है, क्योंकि अब आपको पता है कि ताजा ताजा दम जो है ना वो आर्टिकल 370 ही भाई हटा है, तो नहीं उनको के अभी मतलब के पता भी नहीं है कि वो नॉर्मल चीजें ही चल रही है ना, नॉर्मल चीजें देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले पता है कि यूनिवर्सिटी भी है उधर, ये है. अब हाँ. देखो ना, एक वो एक शॉर्ट क्लिप हमने हम अक्सर देखते हैं कभी कभी सामने, रजनीकांत के ऊपर जो है ना, हाँ. वो आगे चल रहे होते हैं, पीछे से सड़कें भी बांध रही होती हैं, दरख्त भी उग रहे होते हैं, हॉस्पिटल स्कूल हर चीज जो वो है वो तो एक आपके माइंड में होता है, हर पाकिस्तान की वो हर पाकिस्तानी के माइंड में होता है कि जैसे कोई चीज चेंज हो साथ ही जो है ना वो चीजें बदलने लगे, इस तरह नहीं होता, लेकिन ये कि कुछ मामलात गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है ना उनमें चेंज आता है, ठीक है ना. अब उन्होंने जमीन थोड़ी यूनिवर्सिटी की चेंज करके जो है ना वो साइड पे कर देनी है, ऐसा नहीं होना, ठीक है. अभी तो एक तो उनकी अच्छी बात है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना वो इनोसेंट है, दुनिया के साथ या पता नहीं है, दुनिया के साथ टच नहीं रहते, ठीक है ना, और इसलिए वो तीनों इकट्ठे हैं, ठीक है. तो यार आप साहब लाल ले के उनको हमारे पप्पू जी का भी नहीं पता कि वो आ रहा है. यार अजीब बात है, भारत जोड़ो नाम बने, कुछ ख्याल रखे कुछ देखे. लेकिन आपसे इससे पहले भी आए थे जो उनकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी बताया जो है ना अब जो जो हालात है ना, मतलब के जो वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, मतलब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा जो माहौल है वो क्रिएट हो रहा है. नहीं अच्छी बात है भाई, क्योंकि ये काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, देख लो आप बिल्कुल, तो वो एक बाहर की तरफ है, एक पूछताछ कर रही है, अभी अंदर जाएगी ना तो फिर आपको और चीजें मिलेंगी, अभी काफी टेक्नोलॉजी भी अंदर पड़ी होगी, अंदर पड़ी है टेक्नोलॉजी, नहीं अब तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही पड़ी है, उन्होंने सड़कों पर ना लगा, वो इनसाइड गई जरूर है, लेकिन उसको जो है ना वो उन्होंने क्लियर कह दिया कि यहाँ पे आपको जो है ना वो पॉलिटिक्स से रेलिवेंट चीजें जो है ना वो बहुत कम मिलेंगी, एक तो बैंड है वहां पे और दूसरा जो है ना वो मुआद नहीं मिलेगा, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट उसने काफी कोशिश की है कि मैं यहाँ से जो है ना वो यूथ के जो है ना वो व्यूज जो वो पिक करूं, लेकिन वो भी आगे मोहतात है, क्योंकि होते हैं मुस्लिम सहल ये ना आप कहें, क्योंकि जरूरत नहीं, अभी उनको जरूरत नहीं है, अभी खुल के आने की जो है ना वो सामने जरूरत नहीं है, और क्योंकि अभी ऊपर लेवल के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है. जिस तरह अभी ताजा ताजा वो मामला हटा है, अभी 5-6 साल बाद जो है ना ये सबको जो है ना वो चीजें नजर आएंगी. आप देखो अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर या प्रीफर या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उनका फोकस है, तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि यहाँ पे हमें जो है ना वो बहुत सारे चीजें मिलें, और उसके ऊपर वर्किंग भी हो रही होगी, ये नहीं कि नहीं, बहुत साल तक जो है ना वो चीजें हो भी रही होंगी, लेकिन एक डेवलपमेंट एक अलहदा चीज है, और ये चीजें जो है ना वो उनको थोड़ा सा अलहदा हम समझते हैं, तो आने वाले वक्त में हो के आप देखो ना, अब कश्मीर में लिथियम के एक जरखेज मिले हैं काफी टन में, सारी बात है अभी और रिसर्च होगी, और ये पूरा एक शायद इलाके ही ऐसे ही हो, एक मतलब के भरा हो भाई, एक एनर्जी मादनियात के साथ, मादनियात के साथ अभी तो रिसर्च हो रही है, वो एक जो बड़ी मिली है ना लिथियम उसका एक ये जरखेज ही आप समझ ले, वो एक इशारा है अभी आप आगे आ गए हैं, और चीजें एक लड़की का जो है ना वो मैं ऐसे ही देख रहा था, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, वो हाना मीर की इस तरह का उसका नाम था,
तो मतलब ये कि लोग हैं जो असल में दो चीजें होती हैं, एक पॉलिटिक्स से जो है ना वो इंटरेस्टेड होना, एक जो है ना वो दुनियादारी में रहना या इस चीज से जो है ना वो उकता जाना। तो जो पॉलिटिक्स से रेलिवेंट चीज लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को जो है ना वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, उसमें मेजर चीजें भी होती हैं छोटी भी होती हैं, डेली बेस के ऊपर वो चीजों को पिक कर रहे होते हैं, वो आगे आपको जो है ना वो मीडिया के जरिए दिखा रहे होते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियों को जानते हैं जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हाँ उनकी अगर हमें वीडियो मिली तो वो देखेंगे, वो शायद इससे हमें जो है ना वो मजीद बेहतर गए। लेकिन हमारा बेसिक मकसद था कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उनको देखें कि उनके क्या व्यूज है। लेकिन ये कि अब काफी अच्छा माहौल चल रहा है, तो नेक्स्ट आने वाले सालों में और बेहतरी होगी और कुछ व्यूज अच्छे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अल्लाह।